यू गाइस एंड वेलकम टू द बीना डीकोड्स. सो दिस इज द मेकअप दैट आई डू एवरी डे इन एवरी व्लॉग एंड वेयर एवर आई गो आउट. एंड आप मुझसे हमेशा जानना चाहते हैं ये सिंपल फ्लॉलेस मेकअप मैं कैसे करती हूँ. सो टुडे इज द डे जहाँ पे मैं पूरा चीज को डीकोड करूंगी एकदम बेसिक से. सो दिस इज नॉट हाउ माई फेस लुक्स विदाउट मेकअप, इट इज आफ्टर मेकअप. यही जो बेसिक मेकअप का जो एक हैक है, हाउ आई डू इट विथ वॉट आई डू इट, वही आज का वीडियो है. So let's get started. This is how my face looks without makeup. Yes, we all have flaws. I have a flawed skin. There are marks and there's discoloration and all. तो सोचा कि जैसे मैं रोज मेकअप करती हूँ, आज मैं मेकअप करूँगी आप लोगों के सामने and I'll give you some like great information about makeup stuff. जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है, आई रिमेम्बर लाइक फ्रॉम माई टीनेज ईयर्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत बचपन में मैंने मॉडलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, तभी से माई गो टू फाउंडेशन हैड बीन द मेबेलिन्स फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन. इट इज माई ऑल टाइम फेवरेट. यस, बीच बीच में मैं दूसरी दूसरी चीजें भी ट्राई करती हूँ, बट आई कीप गोइंग बैक टू दिस फाउंडेशन. दिस इज माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन, द मेबेलिन्स फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन. काश मैं इसके कुछ एम्प्टी बॉटल्स रख पाती तो मैं दिखाती कि कितने सारे बॉटल्स अब तक मैंने इसके यूज किए. सो नाउ दिस कल्ट फेवरेट फाउंडेशन कम्स विथ 16 आवर ऑयल कंट्रोल एंड SPF 22. सो दैट्स अमेजिंग. मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वॉज इन माई टीनेज ईयर्स अराउंड 16-17, जब मैं मॉडलिंग करती थी और उस टाइम पे हम लोगों को सिखाया जाता था कि यू डू योर ओन मेकअप. मेकअप आर्टिस्ट होते थे लेकिन एक ट्रेनिंग दिया जाता था ड्यूरिंग आवर मॉडलिंग इयर्स कि यू नीड टू लर्न योर ओन मेकअप बिकॉज दैट्स ऑलवेज अ मस्ट फॉर बीइंग अ मॉडल, बीइंग एन एक्टर. और उस टाइम से ही मैं एक्चुअली मेबेलिन का ये फाउंडेशन यूज करती थी. तो अक्सर मैं काफी सारे व्लॉग्स में मेकअप करके दिखाती हूँ, वहां पे मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछते हैं कि वॉट इज दैट लिपस्टिक शेड, वॉट इज योर फाउंडेशन शेड. सो टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी शो यू. दिस इज माई फाउंडेशन एंड फाउंडेशन शेड विच इज 220. सबसे पहले अगर हम किसी चीज के बारे में बात करते हो तो सबसे पहला बात जो होता है वो है अबाउट द लुक. द बॉटल लुक सुपर प्रीमियम एंड इट कम्स विद अ इनबिल्ट पंप. इसे प्रोडक्ट निकालना भी बहुत ही आसान है, आपको जितना चाहिए उतना ही आप यूज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी बिल्डेबल फाउंडेशन. तो आपको हल्का मेकअप चाहिए तो आप थोड़ा सा यूज करें, आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा सा ज्यादा यूज करें, उसके ऊपर आप और एक लेयर करके उसको बिल्डअप कर सकते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट द मेबेलिन्स फिट मी मैट प्लस पोरलेस जो फाउंडेशन है वो है दैट इट कम्स इन 18 डिफरेंट शेड्स. लाइक इज इन दैट अमेजिंग. It just fits all Indian skin tone and you just need to choose the right fit. It is non-comedogenic and suits sensitive skin also. People like me who is very sensitive skin, I can also use it. They have launched this year 6 new shades. So these are the 6 new shades and these are also perfectly suited for Indian skin tones. Stay tuned till the end of the video to see the shade swatches. So let's start. कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले वी मस्ट एंश्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन अ स्मूथ पोरलेस कैनवस. दिस इज द कैनवस आवर फेस. तो उसको हमें पहले एकदम स्मूथ कर लेना बहुत जरूरी है और उसके लिए फाउंडेशन लगाने से पहले लगाना जरूरी है प्राइमर. सो दिस इज द प्राइमर दैट आई यूज. इट इज द फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ. इट इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. आप लोगों को पता ही है कि आई लव लिटिल ग्लोई स्किन. मुझे अच्छा लगता है द स्किन लुक्स हेल्थी, द स्किन लुक्स नरिश्ड. मुझे बहुत ज्यादा ड्राई सा स्किन इतना ज्यादा पसंद नहीं. Right now I have a little normal to drier skin. All that you need to do is take a little bit in your finger or you can apply it with the brush. I prefer applying the primer with the finger. So what does a primer do? As I said, it diminishes the appearance of pores, also extends the longevity of makeup. Also this primer lasts up to 16 hours.
जस्ट बिकॉज आई हैव अ लिटिल ड्रायर स्किन एंड आई प्रेफर माई स्किन टू लुक ग्लोई एंड डीवी, आई सिलेक्टेड द डीवी प्लस स्मूथ प्राइमर. सो वॉट एवर यू अप्लाई ऑन योर फेस, यू मस्ट अप्लाई ऑन योर नेक एज वेल. इस प्राइमर को आप ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया, और यू कैन मिक्स इट विद अ मॉइस्चराइजर एंड अप्लाई इट. सिंस माई कैनवस इज सेट, इट इज स्मूथ एंड पोलेस, आई विल गो ऑन टू अप्लाइंग द फाउंडेशन. नाउ आती हूँ मेरे फाउंडेशन मेरे कलर में. आई टेक अ pump of it in my hand and apply it on the face. The thing that I like about this foundation is that it is very lightweight, it is very easily buildable. So I'll show you what exactly I mean. मैंने थोड़ा सा लगाया. So you can see कि मैंने half face में लगाया और half face में नहीं. And it just gives enough coverage. Buildable मतलब if I want to be little more heavy, I can put it and it gives more coverage now. You can see that it is blending so easily into my skin. Come close and see. You will see that my skin just feels perfect. It does not feel very dry like cakey. Neither does it feel oily. It blends into the skin, giving the most natural coverage. Ekdam bahut acche se sab kuch cover kar diya, but it is still looking very natural, as you can see, with matte finish. Now I'll go on and do the full face. I use a blending brush. So this is a little hack जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दे दूँ. ब्रश और फिंगर से भी अच्छे से अप्लाई होता है मेकअप विद अ ब्लेंडर. इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर फेस, अप्लाई इट ऑन योर नेक एज वेल. सो अभी आप बिना मेकअप के फेस और अभी फाउंडेशन लगाने के बाद का फेस देखिए. My face is just looking absolutely natural but better. It just enhances the skin tone. It just does not look artificially makeuped. ये तो हो गया. मैंने बहुत easily बहुत सारे shades दिखाए, मैंने मेरा शेड अप्लाई करके दिखाया. अभी आप पूछेंगे कि आप अपना शेड कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन गो ऑन देयर वेबसाइट एंड यू कैन सिलेक्ट योर टोन विद द फाउंडेशन फाइंडर. That's amazing, right? You can go onto their website. There's a virtual makeup applicator. Through this, your face will be scanned 360 degrees in adequate lighting to give you the most accurate shade. It's an amazing technology with which you can find your right fit. तो foundation आपने लगा लिया, उसके बाद आता है concealer. Concealer is that thing which will cover it up. So this is the Fit Me concealer. My shade is 30 honey. This is how I apply the product on all my imperfections, redness or blemishes. और उसको just blender से धीरे-धीरे dab करके I just blend it on my skin and that's how I feel it blends in perfectly. This concealer matches my skin tone. This gives me the perfect even toned complexion. There is no spot on my face right now. After that is Fit Me Matte Plus Poreless Powder. My shade number is 110 Porcelain. Put a little bit of powder on your brush. Tap away the excess and just brush it on your face. ये मेरी skin को mattify करता है and leaves a poreless looking finish with long lasting shine control. So I apply it with the brush. You can apply if you want with your puff, but I somehow feel brush से थोड़ा कम उठता है और excess आप dust करके निकाल सकते हैं. So जितना required है उतना ही आपके face पे लगेगा. This is my regular day to day 4-step routine जो मैंने आप लोगों को दिखाया. The primer, the foundation, the powder, the concealer. But this is the holy grail for makeup that I follow every day. I'll swatch them one by one on my face and I will show you. आपको अपना shade उसमें से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. I will first swatch the number 127. You saw how easy it is to apply. You just pump out the product in a brush or anything. I showed it with a brush and just with one stroke the product gets applied. Actually हो गया ऐसे सिर्फ इसके साथ तो नहीं. I'll just put in a little color for today and finish the video. So that was it. Let me know how you like it and I'll see you in my next video. And of course जो भी मैंने बोला है सारा शेड नेम तो मैंने वीडियो बनाते टाइम तो मैंने बोल दिया था. प्लस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज विस्तार में लिख दूंगी सो दैट इट इज easier फॉर यू टू यू नो गेट दैट राइट शेड फॉर yourself. Everything is in the description box. See you in my next video very very soon and I love you guys. Happy makeup. Bye.